राइट सर, निकिता कनेक्ट नहीं हो पा रही है क्या? दिनेश सर, दिनेश सर, सर निकिता डिस्कनेक्ट हो गई है किसी रीजन से, आप बात कर लीजिए, कभी हाँ कभी बिल्कुल मैं बिल्कुल चालू करूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, गिव मी अ मिनट। चलो तब तक बात करते हैं। पवित्रा, आपको समझ में आया जो भी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा? हालांकि आप भी बीच से आए थे, लेकिन मेनली मेन चीज ये है कि आपने, जैसे मैंने सुना, आपने एडमिशन भी ले लिया है और ये चैप्टर आपका बीच में छूट रहा है, तो इस चैप्टर की टेंशन नहीं है। मेन टेंशन ये है कि हमारा और आपका कनेक्शन बन पा रहा है कि नहीं। मतलब मैं जो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज आप समझ पा रहे हो, आप कंफर्टेबल हो पा रहे हो कि नहीं इस चीज से, ये मेरा मेन कंसर्न है पवित्र आपसे। हाँ चलो अच्छी बात है। विशाल, आप तो कंफर्टेबल हो? यस सर, कलश, कलश, आपको मैंने बोला भी था कि एक बार रीड कर लेना, अभी आपके एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दिया है मैंने। वो ज्यादा इसलिए भी पढ़ा दिया कि आपको सारी लाइनें समझ में आ जाए कि आपके बुक में कुछ लिखा है तो क्यों लिखा, राइट? चलो, कलश की भी आवाज नहीं है, शिखा से पूछने का कोई मतलब नहीं है। सर वो क्यों सिग्नल का चाय? कुछ इश्यू है जी। जी, ओके सर, ओके। क्यों सर, शिखा से ऐसे मेरा मन नहीं है तुमसे पूछने का। ठीक है सर, मत पूछिए। ओके, सारी दुनिया घर पे बैठी है, तो ये लॉकडाउन में जयपुर घूमने गई है, वो भी जयपुर। सर आप भी चल चलते। चलो स्टार्ट करते बेटा हम लोग, है ना? मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था? हम लोग पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग क्या सीखे थे कि जायगोट बन गया था, जायगोट के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो गए थे बेटा। पहली कंडीशन आई थी मारूला स्टेज, आई थी क्या मारूला स्टेज, 16 सेल कंडीशन था। इसके बाद डिवीजन से स्टार्ट हो गया था, बन गया था ब्लास्टुला स्टेज, राइट ना बेटा? मालूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज 32 to 64 से। इसके बाद आज हमें पढ़ना है गैस्ट्रुला स्टेज, मालूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज जो है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मालूला के फॉर्मेशन को मॉरुलेशन बोलते थे, मारुलेशन बोलते थे, मारुला से ब्लास्टुला के फॉर्मेशन को ब्लास्टुलेशन बोलते थे, और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? लाइक वाइज गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? गैस्ट्रुलेशन। अब आप लोग एक चीज समझिएगा कि अब हो क्या रहा है। पहले जायगोट के अंदर डिवीजन होके मारुला बन गया, कुछ सेल्स डिवाइड हुई, सेल्स का नंबर बढ़ा, मारुला से ब्लास्टुला बढ़ गया। ब्लास्टुला कंडीशन में ही, अगर आपको याद है तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि इम्प्लांटेशन भी हो गया था, याद आ रहा है क्या? यस सर, इम्प्लांटेशन भी हो गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन? एंडोथीलियम के अंदर वो चला गया था वो क्या जायगोट। जाइगोट? अब नहीं है, अब वो एम्ब्रियो बनने लगा है डिवाइड होके, बट ठीक है चलो जाइगोट भी बोल रहे तो चलेगा। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल के अंदर इंसर्ट हो गया था न्यूट्रिशन लेने के लिए। बोलो ना बेटा, न्यूट्रिशन लेने के लिए वहां पे अंदर इम्प्लांट कर गया था, और वहां से न्यूट्रिशन सब कर रहा है और अब डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपको बता दूं क्या बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन को नॉर्मली बोलते हैं जर्म लेयर फॉर्मेशन।
क्या बोलते हैं, जर्म लेयर फॉर्मेशन। जर्म लेयर की बात करें तो आप लोगों को ये पता है कि ह्यूमन मतलब मैन, हम लोग जो है वो कितने जर्म लेयर से बने हुए हैं, किसी को पता है हमारे अंदर कितनी जर्म लेयर है? 11th क्लास में पढ़ के आए हैं आप लोग, आप लोग 11th क्लास में ये पढ़ के आए हैं, हमारे अंदर कितने जर्म लेयर्स हैं? पवित्रा, विशाल, तीन जर्म लेयर। एक्चुअली बेटा जो एनिमल्स होते हैं, सुन लीजिए, जिसको आइडिया है ठीक है, जिसको नहीं है वो सुन ले। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के अंदर एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। वो कैसे होता है? कुछ एनिमल्स के अंदर सिर्फ दो जर्म लेयर पाई जाती है। कितनी जर्म लेयर पाई जाती है बेटा? टू जर्म लेयर्स, जिसमें से बाहर वाले को हम लोग बोल देते हैं एक्टोडर्म, अंदर वालों को बोल देते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म, राइट। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें तीन जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या, तीन जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाहर एक्टोडर्म, अंदर वाला भी ठीक वैसे ही है एंडोडर्म, लेकिन बीच में एक्टो और एंडो के बीच में एक और जर्म लेयर आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं, राइट बेटा? एक्टो एंडो मीजो। ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर वाला है, और इन्हीं जर्म लेयर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रुलेशन। यानी क्या हो रहा है, जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, जाइगोट जो सिंगल सेल था उसके अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन से जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ सेल्स अब किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करके ये तीन जर्म लेयर बनाने वाले हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। लो यहां पे भी लिख देता हूं, एक्टो, मीजो एंड एंडो, ये फॉर्म करने वाले हैं। बोलो ना बच्चों, अब ये कैसे फॉर्म होता है, यही हमें आज सीखना है कि कैसे बनते हैं ये जर्म लेयर्स, राइट। ये हटा दो, फिर कोई नोट कर रहा है? हटा दूं क्या? यस सर। चलो अब आ जाओ अपने पार्ट पे, एक सेकेंड मार्क कर। आप लोगों ने कहां तक का स्ट्रक्चर देख लिया था? इम्प्लांटेशन तक का स्ट्रक्चर देख लिया था। इम्प्लांट होके उसके अंदर आ गया, अब उसके आगे की कहानी है, जरा सुनिएगा बेटा क्या हुआ। याद आ रहा है ऐसा कुछ? देखा था ही कहीं? यस सर, देखा था। यहाँ पे एम्ब्रियोनल डिस्क, एम्ब्रियोनल सेल मास, एम्ब्रियोनल नॉब यहाँ पे थे, ऐसे ऐसा था क्या बेटा? जैसे
जैसे ही ये विलाई आगे बढ़ता जाता है, ये जिसको हम लोगों ने बोला था कोरियोनिक विलाई, याद आ रहा है? यस सर। जैसे ये कोरियोनिक विलाई आगे बढ़ता जाता है, इसके अंदर प्रेशर कम होता है। इसके मतलब इस जाइगोट के अंदर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है अब इसके थ्रू आता रहता है। पहले न्यूट्रिशन कैसे आ रहा था, याद करिए आप लोग, ट्रोफोब्लास्ट की सेल से चारों तरफ से, याद आ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा आता था। एक तरफ से न्यूट्रिशन इवनली धीरे धीरे आता रहता है, जिससे कि इसके अंदर प्रेशर कम होता है, और इसके वजह से ये जो एम्ब्रियोनल नॉब था, बताया था मैंने आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तब, ये जो एम्ब्रियोनल सेल का मास था, ये मास यहां से डिटैच होके यहां से निकलने लगता है और निकल के इस साइड बढ़ता है, क्योंकि ये लंबाई बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, और ये निकलने लगता है यहां से और आके दिखा कुछ चेंज, वो यहां से डिटैच होके आके यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे कलेक्ट होके एक लाइन बना लेता है। दिख रहा है क्या? ये आपको लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, बट एक्चुअली डेवलपिंग जाइगोट इज स्फेरिकल टाइप। कैसा है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल के अंदर अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा, आप समझ लो कि एक बॉल है आपके सामने, उस बॉल के हाफ मतलब ठीक बीच से ऊपर और एकदम ऊपर से बीच में पूरी एक लाइन बन गई। पूरी क्या हो गई है? एक लाइन बन गई है। दैट लाइन इज दिस। और आप अगर समझ पा रहे हैं, अगर समझिए एक स्फेयर है, एक बॉल है, बॉल को हमने कट कर दिया है, ठीक है। कट करने के बाद बोल रहे हैं कि इसमें लाइन बन गई है ऐसे, तो इस लाइन को आप देखेंगे तो ये लाइन आपको डिस्क के जैसे दिखेगी। थोड़ा इमेजिन करना बेटा, 3D थोड़ा कैसे दिखेगी, ये डिस्क के जैसे। इसीलिए इस सेलर अरेंजमेंट को एम्ब्रियोनल डिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोनल डिस्क। बोलो बच्चे, बोलो ना बेटा। यस सर। आकृति जुड़ी हुई है हमारे साथ, आकृति आकृति। यस सर। आप पहले भी आ चुके हो ना शायद बेटा? नहीं, पहली बार आए हो आप। यस। तो शायद, अच्छा, प्रकृति आती है, आकृति नहीं प्रकृति आती है। ओके, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। प्रकृति इन क्लास 11 सर, शी इज द न्यू स्टूडेंट। आकृति है ये, प्रकृति। जी जी जी। हाँ, तो बेटा आप 12th क्लास में? यस सर। ओके, कौन से स्कूल से? कमल मॉडल। कमल मॉडल स्कूल। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला है ना, जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। यस सर। आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत कुछ आइडियाज हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अभी चैप्टर? नहीं। नहीं का मतलब क्या समझूंगे? आइडिया है ये, पहली बार पढ़ रहे है? थोड़ा बहुत है आइडिया। थोड़ा बहुत आइडिया है। चलो, एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे, है ना। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके ही कंसर्न के लिए, बिकॉज एम्ब्रियोजेनेसिस का भी ये लास्ट क्लास क्वेश्चन चल रहा है। बिल्कुल पता नहीं आपने पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, आपको ऐसा ना लगे कि यार कनेक्ट ही नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई हमारी, उस चीज के लिए पूछ रहा हूँ बस, है ना बेटा। जैसे अगर आकृति, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं, तो नाम याद है आपको?
नहीं सर। कोई बात नहीं। आपने बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ रखा है 12th का? आकृति स्कूल तो चल रहा होगा ना आप लोगों का? नहीं, दिल्ली में तो माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। अरे इसने तो माइक ही बंद कर लिया। आकृति सर अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा बायो में। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, फील कंफर्टेबल, डोंट वरी डोंट वरी। दिस वाज द क्वेश्चन वल्ली ना बेटा, कि आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर मुझे अगर ये रहा कि आपने पढ़ा है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूंगा, मैं थोड़ा इसको लेके जाऊंगा आगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे थोड़ा सा आपके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, इसीलिए पूछ रहा था बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू, नो इशू। बट मैं आपको बता दूं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल नया होगा। शायद कुछ चीजें आप मुझे, ये स्ट्रक्चर मैं इन लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो जिनको बता चुका हूँ उन्हें समझ में आएगा। आपको हो सकता है समझ में ही भी ना आए या कम आए, बट कोई बात नहीं। आपका आज का फिर मेन काम क्या होगा? आज नहीं आएगा समझ में, कल आएगा, क्योंकि इसके बाद जो होगा उसमें कुछ नया स्टार्ट होगा, जिसमें आप 20 से नहीं होगे तो वो 100% आएगा, है ना। तो आपका कंसर्न ये होगा कि आप एक बार ये बैठ के देखो आराम से और ध्यान से कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से मैं जो डिलीवर करने की कोशिश कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसमें आपसे कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। कंफर्टेबल क्लास पे बैठो एंड आप देखो कि क्या कैसे हमारा जो मैकेनिज्म है पढ़ाने का, हमारा जो टू वे इंटरेक्शन है वो कैसे करते हैं हम। जैसे टू वे इंटरेक्शन तो आप बैठ के देख ही लिया आपने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत इजीली स्मूथली हम लोगों की बात हो रही है। अब रही क्लास और इंटरेक्शन की बात, वो मैं कंटिन्यू करूंगा तो आप खुद ही कनेक्ट कर ले, ठीक है बेटा। तो कैप्चर कर लेना कि समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बिकॉज आप बीच से आ रहे हो, और वो भी बीच में भी क्या है, बीच में आए हो और उसमें भी एक टॉपिक चल रहा है, उसके भी बीच में आए हो, है ना। तो दो बार बीच हो गया आपका, तो आप बस ये समझो कि आप बीच पे बैठे हो, सामने समुंदर तैर रहा है और आप आनंद ले रहे हो। आप बस ये देखो कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं, कनेक्शन बन पा रहा है कि नहीं, आपका ये मेन कंसर्न होगा। कल जो नया जो फ्रेश कोई टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। कोशिश करते हैं ध्यान से सुनना, बीच में बोल दिया तो ऐसा नहीं कि पैर फैला लिया, तकिया लगा के आराम से लेट गए और चश्मे लगा के पंखे देख रहे, नहीं, ध्यान रहे बोर्ड पे ही, है ना। ओके चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। सर कैन आई टेक वन मिनट इफ यू परमिट मी? आकृति बेटा यू आर वेलकम, वी हार्टली वेलकम यू इन द विनर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एडुकेट कोटा, एंड फील कंफर्टेबल, जो आपका छूटा है वो आपके लिए एक्स्ट्रा अलग से क्लासेस करवा देंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर जितना बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। ठीक है सर, थैंक यू, क्लास थैंक यू वेरी मच। जो एम्ब्रियोनल नॉक था वो एम्ब्रियोनल नॉक शिफ्ट होके डिस्क के फॉर्म में अरेंज हो गया। आप लोग याद करो मैंने बोला था कि इररेगुलरली यहाँ पे अरेंज होता है लास्ट लेक्चर में, वो निकला और टू लेयर की, दो लेयर की, जो मैंने बहुत क्लियर दिखाने की कोशिश की है, एक सेल की लेयर ये, एक सेल की लेयर ये, दो लेयर की डिस्क के फॉर्म में पूरे ही एम्ब्रियो में अरेंज हो जाता है, और इसी वजह से इसको अब एम्ब्रियोनल नॉक ना बोलते क्या बोलने लगते हैं, एम्ब्रियोनल डिस्क। बोलो ना बच्चों, क्या बोल दिया, एम्ब्रियोनल डिस्क। यहां से yes, बना रहा हूं आपको बोर्ड पे, मैं 2D बना रहा हूँ। कैसा बना रहा हूँ, 2D। आपको इमेजिन करना है सबका सब 3D में। अगर थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपकी ये चीजें बहुत और ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब ये जो एम्ब्रियोनल नॉब है बेटा, इस पे ये जो सेल्स देख रहे हैं, मैं सिर्फ उन सेल्स को बना रहा हूँ अभी। इसमें ऊपर वाली सेल होती है कॉलमनर सेल, ऐसी लंबी कॉलम लाइक, दिख रहा है। ये जो एम्ब्रियोनल डिस्क है इसकी जो अपर लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, ये लेयर थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन आ रहा था, आप समझिए न्यूट्रिशन यही से आ रहा है ना, कोरियोन से, उस न्यूट्रिशन को लेती रहती है और न्यूट्रिशन को लेके क्या कर रही है, अपना खाना पीना करके अपना साइज बढ़ा ली, एनलार्ज कर ली। जो अपर लेयर है बेटा वो कॉलमनर सेल्स की तरह कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, कॉलमनर सेल्स की तरह। और नीचे वाली जो सेल की लेयर है
वो ऐसे ये क्यूबॉइडल से क्यूबॉइडल सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिख रहा है आपको ऊपर कॉलमनर नीचे क्यूबॉइडल। अरे नाम से समझ में आ गया, कॉलमनर मतलब क्या, कॉलम लाइक, कॉलम पिलर के जैसे लंबे लंबे सेल्स, राइट। क्यूबॉइडल का मतलब क्या, क्यूब टाइप जिसकी लंबाई चौड़ाई ब्रॉड विड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब बराबर, तो क्यूब लाइक सेल क्यूबॉइडल सेल वो यहाँ अरेन्ज हो गए। अब आप बाकी डायग्राम समझ लो कि ये ऐसे ही है, साथ में यहाँ पे ये सब चीजें हैं, चल रहा है क्या बेटा ऐसे समझ में? यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वापस आते हैं यहाँ पे इस साइड, उसके बाद जगह नहीं है तो मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ, ठीक है। कोरियोनिक विला यही रहेगा, ये हट गया यहाँ से एम्ब्रियनल नर्व, और ये एम्ब्रियनल नर्व डिस्क बना के कॉलमनर सेल और क्यूबॉइडल सेल में अरेंज हो गया है। इसमें बेटा ऊपर वाले को, इसको जो ऊपर है, ऊपर वाले को बोलते हैं ईपी ब्लास्ट लेयर, इसका नाम क्या देते हैं, ईपी ब्लास्ट, जो कॉलमनर सेल की बनी है। नीचे वाली जो क्यूबॉइडल सेल की बनी है इसको बोलते हैं क्या, हाइपो ब्लास्ट। क्लियर हुआ, ऊपर वाली कॉलमनर सेल को क्या बोल देते हैं, ईपी ब्लास्ट, नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, हाइपो ब्लास्ट। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये ईपी और हाइपो क्या है, हाइपोथैलेमस पढ़ा है आप लोगों ने कहीं, हाइपोथैलेमस? यस सर। आप लोगों ने कहीं हाइपोटोनिक सुना है, हाइपोटोनिक 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 आइसोटोनिक पढ़ा होगा, कैसे सॉल्यूशन होते हैं, होते हैं। तो हाइपो मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि हाइपो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो? कमी सर। हाँ पवित्रा, कमी होना, दोबारा सुन नहीं पाए, कमी होना सर, कम कम, सही बात है, बिल्कुल सही बात, कम होना, कम है तो उसको बोलेंगे कि हाइपो, और अगर हाइपो नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका बताता हूँ समझने के लिए। हाइपो का उल्टा क्या होता है बेटा, हाइपर, हाइपर हम लोग नहीं बोलते, अगर कोई अम्मा पे आके ज्यादा बोलने लगता है, गुस्सा होने लगता है, ए सुन ज्यादा हाइपर मत हो, हाइपर मत हो मतलब ज्यादा ऊपर मत जा, हाइपर का मतलब ही होता है ऊपर मतलब ज्यादा, और हाइपर का उल्टा हाइपो, हाइपो का मतलब क्या, कम, जो नीचे है, हाइपो का मतलब कम मतलब जो नीचे है, जो नीचे है नीचे आ रहा है इसको बोल देंगे हाइपोब्लास्ट, ऊपर वाले को बोल देते हैं क्या बेटा, ईपी ब्लास्ट। जो नीचे आप हाइपोब्लास्ट की लेयर देख रहे हैं, जो नीचे आप हाइपोब्लास्ट की लेयर देख रहे हैं, ये लेयर यहां से डिटैच हो जाती है, एम्ब्रियोनल डिस्क से टूट जाती है। पहले तो यहाँ पे सब साथ साथ है, अभी क्या हो गई, एम्ब्रियोनल डिस्क से टूट के अलग हो गई, यहाँ से भी दिखा दें, एम्ब्रियोनल डिस्क से टूट के अलग हो गई, हालांकि मैंने काम चोरी में समझदारी में थोड़ा पहले ही दूर बनाया था, मुझे दिक्कत ना हो। और जब ये अलग हो जाती है तो ये अलग होके फिर डिविजन करने लगती है, और डिवाइड होके पूरे ही सेल के अंदर एम्ब्रियो के अराउंड अराउंड एक यू कंटिन्यूअस डिवाइड होके ये अपनी एक लेयर बना लेती है। दिखा क्या बच्चों, एक लेयर बन गई, और ये बीच वाली जो किससे बनी, हाइपोब्लास्ट से, इस लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। तो आप लोगों का पहला लेयर बन गया है बेटा, देयर इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म। आपका टारगेट क्या है, आप पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पे गैस्ट्रुलेशन, क्या पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रुलेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। एंड जर्म लेयर कितने टाइप के, ह्यूमन के अंदर तीन टाइप के, एक्टो, मीजो,
और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया. बोलो ना बच्चों. दिस इज आवर सर पहला लेयर. कोई कुछ बोल रहा है? चलो पहला लेयर एंडोडर्मल लेयर. अब क्या होता है, यहां से जब ये सेल नीचे आती है तो अब इसके ऊपर भी प्रेशर कम होता है. जो कॉलमनर सेल्स की लेयर है, वापस मैं इस डायग्राम को इसीलिए मैं छोड़ दिया था, ये यहाँ से देखना, यहाँ पे बड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ से डिटैच होके नीचे आ गया और नीचे आके पूरी एक ऐसे लेयरिंग बना लिया देखा ऐसे. इसी को हम लोग बोल दिए कि सबसे अंदर की लेयर है एंडोडर्म हो गई भाई साहब, एंडोडर्म हो गई, राइट. अब क्या हुआ, जब ये नीचे आता है तो कॉलमनर सेल्स के पास भी थोड़ी जगह बन गई, क्योंकि नीचे पहले तो ये चिपका हुआ था, डिस्क के फॉर्म में तो दोनों लेयर चिपके हुए थे. बोलना बेटा, अभी जब ये इससे डिटैच हो गया तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन गया है, दिख रहा है क्या, और ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाती है. आप लोग सुने होंगे, 100% सुने होंगे कि ह्यूमन के एम्ब्रियो में एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी. सुना है? नहीं सुना, बता दू, नहीं सुना है तो बता दू, सुनाने के लिए तो हूं. यहाँ पे जो बना था ये कोरियोन थे, कोरियोनिक विलाई. कोरियोन के नीचे न्यूट्रिशन जिसके अंदर भरता जाता है, ये रीजन बेटा, ये जहां पे न्यूट्रिशन भर रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड एमनियन. क्या बोलते हैं इसको? एमनियन. और यहाँ पे जो कैविटी है, खाली जगह बची, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी. क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी. और इसी कैविटी के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन भी है, और इस सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रही है उनका वेस्ट मटेरियल भी है, उसका वेस्ट, उसके बॉडी वेस्ट, उसके हार्मोन्स, सब कुछ यहाँ पे. और यही तो बेटा, यही कोरियोन तो बढ़ते बढ़ते आगे जाके प्लेसेंटा बनाएगा. प्लेसेंटा का नाम सुना है आप लोगों ने? तो वही हो रहा है सर, वही हो रहा बेटा. ये अंदर जर्म लेयर बनती जा रही है और बाहर कोरियोन, ये जो आप देख रहे हैं, ये और डीप जाता जा रहा है यूटरस के अंदर, और डीप न्यूट्रिशन लेने के लिए. बोलो ना. और ये जाते जाते जाके जुड़ जाता है डायरेक्ट कहां पे? ब्लड वेसल्स से. आपको याद है मैंने कल ब्लड वेसल्स दिखा के स्ट्रक्चर बनाया था, और जब ये ब्लड वेसल के साथ जा रहा है, आप देख रहे हैं फिंगर लाइक, वहां से भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं. ब्लड वेसल्स और ये ऐसे आपस में मिक्स हो गई, ये देखो ये ब्लड वेसल्स बीच बीच में भर गए, और इनका जो कनेक्शन बनता है ये, दिस कनेक्शन इज ओनली कॉल्ड प्लेसेंटा. क्या कहलाता है? यही प्लेसेंटा कहलाता है. बोलते रहो बेटो, ठीक है बच्चों? प्लेसेंटा कहलाता है सर. अब इसी एमनियोटिक फ्लूड को जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है डॉक्टर का, डॉक्टर क्या करते हैं, उनको पता है पोजीशन की एमनियोटिक कैविटी कहाँ पे है. इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर सिरिंज लगाते हैं, इंजेक्शन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड आता है, उस फ्लूड के टेस्ट से ही लिंग परीक्षण होता है, जो बोलते हैं ना कि चेक करना कि ये सेक्स डिटरमाइन करना कि जो डेवलपिंग बेबी है मेल है या फीमेल है, वो इसी एमनियोटिक फ्लूड से होता है बेटा, ठीक है? एमनियोसेंटेसिस. और इसी एमनियोटिक फ्लूड की चेकिंग को ही बोलते हैं बेटा एमनियोसेंटेसिस, दैट इज द प्रोसेस ओनली. आया समझ में? यस सर. एमनियोटिक फ्लूड की टेस्टिंग को ही बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस. पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, अगला चैप्टर पूरा इसी पे ही है. फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे आपको एंडोडर्म दिख गया बेटा प्रॉपरली. एंडोडर्म फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है एपिब्लास्ट, अब इसके पास थोड़ी जगह खाली बच गई है. तो क्या होता है, एपिब्लास्ट में दो पोल होते हैं. मैं आप लोगों को जानबूझ के पोल का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि आपके लिए जरूरी भी नहीं है, है ना? बस ये दिख रहा है, अरे एक एंड ये है, एक एंड ये है. बोलो ना बेटा. यस सर. एक एंड ये है, एक एंड ये है. तो किसी भी एक एंड को, हालांकि उसमें तो है, मतलब एक्चुअल वाले में एक को बोल देते कि ये सिर है, सिर है, सिर वाले को बोलते हैं सिफेलिक, ये को बोलते हैं पैर है, जिसको बोलते हैं काउडल. बट आपको नाम नहीं सीखना है. होता क्या है, इधर की जो बाउंड्री है किसी एक साइड की सेल्स का,
कंटिन्यूअस डिवीजन होने लगता है, ऐसे। और ये डिवाइड होके जो सेल्स का क्लस्टर है वो पूरे ही जो खाली जगह है उसमें फैल जाता है। आया समझ में? ऐसे पूरा क्लस्टर क्या होगा, पूरी एंडोडर्म के ऊपर ऊपर फैल जाएगा, आपको पता ही नहीं चला ये जो क्लस्टर फैल रहा है इरेगुलर सेल मास का। दिस इज मेसोडर्म ओनली। क्या है ये? मेसोडर्म। अब यहां पे दिखा देता हूं सेल का क्लस्टर इसके चारों तरफ एंडोडर्म के ऊपर ऊपर, ये लो ऐसा कुछ बन गया पूरा सेल का एक कंप्लीट लेयर, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मेसोडर्म। बोलो बच्चों, एंडोडर्म भी बन गया और ये रेड वाली लाइन ये क्या है, मेसोडर्म भी बन गया। आपका बचा क्या है अभी, अभी क्या बचा? एक्टोडर्म। क्या बचा? एक्टोडर्म। एंड से, जिस एंड से मेसोडर्म बना है, अगर मेसोडर्म इस एंड से बना है तो इधर से नहीं, इधर से बना है तो इधर से नहीं, जिस एंड से मेसोडर्म बना है उस एंड के अलावा जो दूसरा एंड है हाइपोब्लास्ट का, हाइपोब्लास्ट का ये रहा हाइपोब्लास्ट, यहां से भी सेल डिवाइड होना शुरू होती है और वो भी सेल पूरी की पूरी एक लेयर ऐसे बना लेंगी। दिखा क्या बेटा? ये देखो, एंडोडर्म, उसके ऊपर रेड वन इज मेसोडर्म एंड आउटर मोस्ट ब्लू वन इज एक्टोडर्म। लो यहाँ पे ही बना दिया इस एंड पे, लो दिखा क्या बेटा, ये देखो कमाल हो गया, तीनों जर्म लेयर बन गए, एक्टो एंडो और मेसोडर्म, तीनों लेयर का फॉर्मेशन हो गया आपके सामने दिख रहा है। बोलो बच्चों, यहाँ पे इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अंदर जाके प्लेसेंटा बना लिया, क्या बना लिया, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट है उसके ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाए, क्या आ जाए, ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाए प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से ही बाकी सारी चीजों का क्या होता रहेगा, एक्सचेंज होता रहेगा। बोलो ना बच्चों, न्यूट्रिशन का, वेस्ट का, yes, sir, एक्सचेंज होता रहेगा, कोई बात नहीं। तीनों जर्म लेयर बन गए, प्लेसेंटल कनेक्शन बन गया, ये जो कॉलमनर सेल थी ये लगातार डिवाइड होने की वजह से ये भी अब खत्म होने के बराबर, क्योंकि इसी के डिवीजन से ये बनी है, और यहाँ पे अब नॉर्मल एक ऐसा सिर्फ एक तीन ले जर्म लेयर का एक डेवलपिंग एम्ब्रियो रह जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड गैस्ट्रुला स्टेज। क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला स्टेज। और इन्हीं स्टेज से, इन्हीं लेयर से बेटा, मैंने भी बोला था ह्यूमन इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, तीन जर्म लेयर वाला ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं तीनों जर्म लेयर की हेल्प से यहाँ तीनों जर्म लेयर यहाँ से है और यहाँ से ब्लड आ रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है, यही तीनों जर्म लेयर की हेल्प से ये डेवलपिंग एम्ब्रियो ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करते करते विद इन 9 months 270 to 280 डेज के रेंज में ये फुल्ली ऑर्गेनोजेनेसिस करके ये सारी जर्म लेयर जिससे जो बनना है वो सारे ऑर्गन्स डेवलप कर देती है, और 9 months के बाद फीमेल के बॉम्ब से या यूटरस से एक मेच्योर बेबी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। आया क्या समझ में? आया समझ में बेटा? यस सर। अच्छा, अब एक बार मैं आपको एक इसका एनिमेशन दिखाता हूं, अगर मुझे मिल जाए बढ़िया एनिमेशन जिससे मैं आपको समझा सकूं। एक सेकेंड,
अब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपके एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मैं पहले पढ़ा तो तुझे वही ट्रैक, लेकिन आपको क्यों बताना पड़ा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलते हैं ईपी ब्लास्ट पे, हाइपो ब्लास्ट पे, और अंदर कुछ दिया नहीं रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए बताना पड़ता है ये सब चीजें थोड़े से बाहर जाके। तो उसका टेंशन मत लेना आप, आपको अगर एक बार आपने देख लिया तो आपके अगर सवाल मिलेगा तो आप कम से कम आइडिया तो लगा दो क्यूज स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है कि आपको पता तो रहे पूछा कहां से और क्या जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। आकृति? यस सर। अभी तक कैसा लगा, समझ में आया कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया, चलो अच्छी बात है। ये आ गया, मुझे मिल गया है, मैं शेयर कर दूं। आ गया यूट्यूब, देखना हो सकता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा दे हुआ, मैंने थोड़ा कम बताया। दिख रहा है सबको स्क्रीन, दिख रहा है यूट्यूब का? यस सर, दिख रहा है। Consisting of the hyperblast and epiblast has formed. ये देखिए, शुरू से लगाऊंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से गैस्ट्रोलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, है ना बच्चों? ये देखिए, इम्प्लांटेशन हो गया है। अब इसको क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिन भी दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो एक हफ्ते में इम्प्लांटेशन हुआ था, सेवेंथ डे, याद आ रहा है? यस सर। सेवेंथ डे पे इम्प्लांटेशन हुआ था और सातवें दिन से चौदहवें दिन तक ये स्टेज आ रही है हाइपोब्लास्ट वाली, देखते रहना बेटा। दो लेयर बन गई, अगर आप देख पा रहे तो ऊपर वाली लेयर लंबी लंबी सी है, ये जिसपे मैं दिखा रहा हूँ है ऐसी लंबी कॉलमनर सेल्स। Yes, sir. और ये लेयर है छोटी छोटी सेल की, क्यूबॉइडल सेल की, राइट? चलो अब ये दिखा रहा है यहाँ से, ये वो लेयर थी जो कोरियोनिक विलाई बना चुकी है यहाँ पे गैस्ट्रोलेशन। अब दिखा रहा है जम लेयर बनेगा कैसे, थोड़ा पास चलाओ। बैक स्पीड डेढ़ गुना। ये एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है, मैं जानबूझ के नहीं बताया, आपके बहुत काम का नहीं है, जिसमें दिखाएगा जो मैंने आपको बोला है कि एंड बनते हैं, दो एंड बनते हैं, वही एंड वाला दिखा रहा है कि एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ, राइट लेफ्ट डिवाइड हो गया, कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के नाम नहीं बताया आपको। ये देखना बच्चों, ये यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे ये देखो नीचे की सेल टूट रही है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। ये नीचे की सेल टूटी, टूटने के बाद वो सेल कुछ नीचे आके देखो एक नई सेल बना दी, जिसका नाम भी इसने दिखा दिया। आप यहाँ पे देखना क्या लिखा, कि ये जो नई लेयर बनी है टूट के, ये क्या बनाने वाली है, एंडोडर्म को डिफाइन करने वाली है, बाउंड्री बनाने वाली है। कंटिन्यू करते हैं, ये देखो आपको दिखा रहा है कि जो फिर अब नहीं, ये रेड कलर का, रेड कलर का इसी एक एंड से ही एक नया बना, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, मीजोडर्म। पहले एंडो बना था, फिर क्या बना था, मीजोडर्म। अब रिमेनिंग पोर्शन का देखना, यहाँ पे तो कुछ नहीं होना इस रूप से, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं इनके अंदर आप देखते रहे ना, एंड का नाम मैंने आपको नहीं बताया जानबूझ के, वो बोल रहा है कि इस एंड के तरफ जहाँ पे ये बने हैं
इस एंड के तरफ की जो सेल्स हैं वो सेल्स और डिवाइड होंगी. अच्छा उसने डायरेक्ट लिख दिया कि इस एंड की ये एक एंडो दिख गया ये मीजो, ये वाली जो एंड की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके ये लाइनिंग बना लेंगी ऐसी, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्टोडर्म बोल देंगे. और ये तीनों लेयर बन गई आपकी, एक्टो यहाँ से एक्टो मीजो और ये हो गई एंडोडर्म, और इस तरीके से तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है. दिख गया, थोड़ा समझ में आया आप लोगों को कुछ? बोलो बच्चों. यस सर, आ गया. दिख गई सारी चीजें क्लियरली कि कैसे कहाँ पे क्या होना था. और यही मैंने बोला था कि आप उसको बॉल लाइक समझो एम्ब्रियो को. एम्ब्रियो को अगर आप बॉल लाइक समझोगे तो आपकी थोड़ी जो सोचने का तरीका है वो ज्यादा बदल जाएगा. ऐसे तो मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ, बट ये बिल्कुल बॉल के जैसा है ना. और उस बॉल के अंदर एम्ब्रियोनल नॉब ने कैसे डिस्क बनाया होगा. इमेजिन करो अब कि नॉब जो था वो इरेगुलर सेल मास था जो वहां से निकला और कोरियोनिक विलाई के पास जाके बॉल के अंदर पूरा ऐसे फैल गया दो लेयर में. तो जो पहले नॉब था एक गांठ थी वो अब डिस्क के फॉर्म में हो गई, एम्ब्रियोनल डिस्क. आ रहा है बच्चों? दो लेयर की बनी, ऊपर वाली लार्ज लेयर कॉलमनर सेल्स, नीचे वाली स्मॉल सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स. ऊपर वाले को जो ऊपर था उसको बोल दिया ईपी ब्लास्ट, जो नीचे था उसको बोल दिया हाइपोब्लास्ट. बोलना बेटा. यस सर. हाइपोब्लास्ट पहले डिटैच हुआ, डिटैच होके उसने बना दिया क्या, एंडोडर्म. क्या बना दिया, एंडोडर्म. जो हाइपोब्लास्ट सॉरी जो ईपी ब्लास्ट था उसके दो एंड होते हैं. मैंने एंड का नाम दिया, आप लोगों को जानबूझ के नहीं बताया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना था मुझे. याद भी हो गया अब तो. याद हो गया. दो लेयर थे है ना, दो एंड थे. एक एंड से सेल निकलना शुरू हुआ. प्रिमिटिव एंड दिखाया था आप लोगों को, दिख रहा होगा उसमें. वहां एंड से निकलना शुरू हुआ और वहां से ये रेड कलर के सेल मास निकले जो फैल के क्या बना लिए, मीजोडर्म बना लिए. क्या बना लिए, मीजोडर्म. और रिमेनिंग जो सेल बची वो सेल कंटिन्यूअस होके डिविजन करके इस दोनों एक्टो एंडो और मीजोडर्म को कवर कर लेती है, और इसी को हम लोग रेफर कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलने लगते हैं एक्टोडर्म. क्या बोलने लगते बेटा, एक्टोडर्म. जैसे ही ये तीनों जर्म लेयर बॉडी के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर ये तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां से न्यूट्रिशन आ रहा है. बढ़ाऊंगा अभी प्लेसेंटा, आपको कल पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में. यहां से न्यूट्रिशन आ रहा होता है. बोलो ना बेटा. उस न्यूट्रिशन की हेल्प से ये तीनों जर्म लेयर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को बनाते हैं. आपने पढ़ा होगा कि हमारा नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसी है. आपने पढ़ा ना, ये एक्टोडर्म का बना हुआ है, ये एंडोडर्म का बना हुआ है, ये मीजोडर्म का बना हुआ. तो भाई ये पहले तो एक्टो एंडो मीजो बन गए. अब इनसे हमारी बॉडी के जो जो ऑर्गन बनने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ से न्यूट्रिशन आता रहेगा, और 9 मंथ के टाइम पीरियड में सभी चीजें धीरे 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 जो एक्टोडर्म से बनना है वो एक्टोडर्म से बन जाएगा, जो मीजोडर्म से बनने वाला है वो मीजो से, जो एंडो से बनने वाला है वो एंडो से. सब चीजें बन जाती हैं. और आफ्टर 9 मंथ का टाइम, आफ्टर 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, जो आपकी बॉडी के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो था वो एक मिनिएचर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देती है विद द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. राइट बच्चों? राइट सर. तो दिस वाज द होल चैप्टर रिलेटेड विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मोस्टली मेन प्रोसेसेस सारे पढ़ लिए. अब आपको एक चीज सीखना है कि प्लेसेंटा क्या है, कैसे न्यूट्रिशन आता है, दूसरी चीज सीखनी है कि बॉडी से बेबी को बाहर कैसे निकाला जाता है, और कौन से मंथ में क्या चीज डेवलप होती है. राइट? तो गैस्ट्रुलेशन में जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे. आई होप कि आपको गैस्ट्रुलेशन समझ आ गया होगा पूरा का पूरा. थोड़ा बहुत जो कम हुआ होगा वो मैंने एनिमेशन दिखा के कर दिया होगा पूरा. यस सर, आ गया. आ गया सबको? कलश, शिखा, पवित्र आ गया. ठीक है ठीक है, अच्छी बात. तो ये था बेटा. अब आप लोग इसके आगे कार्य बहुत आसान है. जो टफ पार्ट था, जो थोड़ा सा परेशान करने वाला पार्ट था,
जो लिखा हुआ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझ ही नहीं आएगा, वो बोलेगा कि जर्म लेयर, तो सोचोगे जर्म लेयर कहां से आ गया, क्योंकि उसने गैस्ट्रुलेशन का ही नहीं लिखा है ना, वो सीधे बोलेगा कि ब्लास्टोमियर, सोचोगे ब्लास्टुला स्टेज तो हम जानते हैं, ब्लास्टोमियर कैसे लिख दिया। तो अब आपको वो सब डाउट नहीं होनी है। अब आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एकदम धड़ल्ले से पढ़ डालना, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी के अलावा आप जो भी बुक रेफर करते हो, अभी आप फ्री हो, आप कोई भी बुक पढ़ोगे, सिर्फ एक चीज आपको नहीं मिलेगी, वो मैं बता भी देता हूँ आपको। एक चीज मैंने नहीं बताया, प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में, प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में नहीं बताया, जो एंड डिसाइड करता है, वो जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि उसमें अब क्वेश्चंस आते ही नहीं है, वो नीट के लिए भी बोर्ड के लिए भी अब वो आउटडेटेड टॉपिक हो चुका है, इसलिए जानबूझ के नहीं बताया। उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, उससे कहीं से कोई सवाल पिछले 10 सालों में नहीं आया। राइट बच्चों, अगला टॉपिक कौन सा होगा सर? अगला टॉपिक होगा बेटा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा कैसे न्यूट्रिशन ले आता है, कैसे यहाँ से वेस्ट ले जाता है, और कैसे प्लेसेंटा के हेल्प से इस बॉडी ये जो बना हुआ है इसके अंदर इन जर्म लेयर के हेल्प से प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन ले, कैसे ये बेबी के अंदर डेवलप होगा, कौन से मंथ में इसके अंदर क्या बनेगा इस एम्ब्रियो, और 9 मंथ में बनने के बाद ये बेबी कैसे बाहर निकलेगा, ये सारी चीजें, इस एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ना इसके बाद शायद, मुझे लगता है कि आप लोगों के 12th के बुक में एक वो रह जाएगा, ब्रेस्ट रह जाएगा एसएससी ग्लैंड के लिए, ब्रेस्ट को मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। हाँ, मतलब ये मान के चलो कि आपका आज कौन सा दिन है, थर्सडे, एक दिन की क्लास और आएगी, तो आई होप कि अगर उस दिन हम लोग क्लास 3 बजे स्टार्ट कर ले शाम, जो हमारी टाइमिंग होती है, हम लोग 3:05 तक आते हैं, कुछ लोग 3:07, 3:08 तक आते हैं, हम लोग 3 बजे से अगर स्टार्ट कर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बड़ी चैप्टर हम लोग बहुत आसानी से खत्म भी कर लेंगे सेम डे पे, है ना। बट आप लोगों को जाने के पहले आप लोगों का एक होमवर्क होगा, आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा आज, आप लोग क्या कर, आप लोग बैठ के नेट से, बुक से, किसी से, जहां से मन करे वहां से पूछ के एक चीज याद करोगे कि ह्यूमन बॉडी में एक्टोडर्म से क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन बने हैं, एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बने हैं, और मीजोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बने हैं। राइट बच्चों? ओके सर। हाँ, ये आपका होमवर्क होगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में आने के बाद जब मैं इसका डेवलपमेंट बताऊंगा तो मैं आपसे वहां पे पूछूंगा कि इंटेस्टाइन कैसे डेवलप हुआ होगा, ये जो बच्चा इसका पेट कैसे बना होगा, इसकी आंखें कैसे बनी होगी, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इसी बहाने आप लोग एक बार ये पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है ये चीज, आप इसको सर्च करोगे और ये आपको होमवर्क होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर, ठीक है। बिकॉज प्लेसेंटा अगर आज स्टार्ट भी करें तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा 5 मिनट में, उसमें कुछ चीजें आपको और बतानी है, तो हम लोग कोई नहीं, हम लोग इसको छोड़ते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है बच्चा? ओके सर। ओके चलो विशाल। यस सर। विशाल, जानवी एंड कलश, कलश वो अनम्यूट करो। आप लोगों का ये लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना विशाल? यस सर। शिखा और जानवी का तो ठीक है, पहले से चल रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं, मतलब एक तरीके से समझ लो कि मैं, आप लोग एक चीज बहुत, मतलब बहुत ऑनेस्ट रहना, बहुत लॉयल रहना खुद से, है ना, मुझसे लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में कि सर के सामने वो थोड़ा सा मतलब झूठी तारीफ कर देंगे तो सर खुश रहेंगे। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है यार, तुम मेरी तारीफ करो या बुराई करो, कैमरे के सामने आके मैं पढ़ा जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क जरूर पड़ेगा कि अगर आपको कहीं पे कोई इश्यू है जो हम, मैं मेरी तरह से कुछ कमी आ रही हो तो मैं उसको ठीक करूंगा। तो ये एक तरीके से मैं बस एक रिव्यू ले रहा हूँ कि वन चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर हम लोग लगभग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। Yes, मैं बोलूं कि मेरे एंड से आप लोगों को कोई दिक्कत लगी है तो प्लीज बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझ, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ पाई, ऐसा कहीं से भी कोई इश्यू हुआ तो बोलो। नो सर। पवित्र, आपकी भी 2 क्लासेस हो गई है, आप भी प्लीज बताएं, अपना व्यू दें।
सर आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है? यस सर। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इजीली चीजें समझ में आ जा रही हैं, खेलते खेलते मजे करते करते पढ़ाई भी हो जा रही है, ऐसा हो पा रहा है? यस सर। ठीक है, कहाँ गए कलश? नो रिस्पॉन्स। आकृति, आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? और वहां पे हम लोग एक बिल्कुल नया एक अलग सा आर्टिकल चलेगा, तो स्टार्टिंग से सुनोगे तो थोड़ा कुछ समझ में भी आएगा आपको। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आज आपको शायद थोड़ा कम समझ में आया हो, बट एक चीज ध्यान रखना कि बैठने का पर्पज ये था कि आपका एक कनेक्शन बन जाए हम लोगों से, कैसे क्या पढ़ाते हैं वो देख पाओ आप लोग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, तो मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल। आप लोगों की जो भी क्लास है वो आप लोगों को मिल जाएगी अपने टाइम से, दो चार मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग भी, मैं भी चलता हूँ। बाय बच्चों, बाय सर, थैंक यू।